बस भाई मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बसीटर मेटोस लेके आया हूँ नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जाएंगे सफारी, लेकिन उससे पहले हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने। यार ब्रेकफास्ट काम मेरा मन है, आप तो करिए रहे होंगे, ठीक है? कोई जिम में होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई घर में होगा, ठीक है? तो वो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो इस होटल में मैं रहता हूँ, इस होटल में। और ये टाइग्रेस रणथंभौर, क्या प्रॉपर्टी है ये मेरे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने आप को निहार सकते हो। एक मिनट, ये लाल, ये पीछे पीछे ब्लैक। मतलब अगर कोई सांड पढ़ना भी नहीं चाहता ना, तो अभी मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो ये मिरर है, ये आप अपना मेकअप वेकअप कर सकते हो। मेरे पीछे बाथटब है। यहाँ पे बॉम्बिंग एरिया, यहाँ पे नहा सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे सुट्टा फूंक सकते हो। और इस कमरे की एक ही ड्रॉबैक है, पूछो क्या। चल मैं ही बता देता हूँ, इस कमरे की ये ड्रॉबैक है कि ये एग्जॉस्ट नहीं है। मतलब आप अगर बॉम्ब गिरा के आते हो तो आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, हवा हटाने के लिए। इसको ऐसे 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 करना पड़ेगा। तो बस यही ड्रॉबैक है इस कमरे का, यही ड्रॉबैक है। तो फिलहाल के लिए जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। इंस्टाग्राम में तो आप मेरे को फॉलो कर ही रहे हो, @ubamanubha। यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का आइकन। और चलो देखते हैं क्या दिखता है आज। शेर के साथ अपना अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। अबे हाँ, ये टाइटल डाल दूँ, शेर के साथ अपना अपॉइंटमेंट। क्या वायरल होगी वीडियो, ओ माय। episode 3, शेर के साथ अपॉइंटमेंट। हाँ, टाइटल अच्छा लगा लाइक करो। और हाँ, ये लोकेशन अच्छी लगी लाइक करो। नए हो आपको पता है क्या करना है, तो फिलहाल के लिए लगभग 3 टाइगर्स की टेरिटरी बिलोंग करती है जोन नंबर 3 का। इसमें एक है रिद्धि, सीहड नेम रिद्धि सिद्धि, एंड एक मेल टाइगर है वो भी कभी कभार नजर आता है। तो 3 टाइगर्स का टेरिटरी है, उम्मीद करते हैं कोई सा एक हमें नजर आएगा।
हमारे साथ में ड्राइवर है दीनदयाल, खड़े हो आपकी ले लेते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया दिखने को मिले। उससे पहले हम कुछ डू एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। डू को इग्नोर करेंगे, ओनली डोंट्स पर बात करेंगे। डोंट्स में सबसे पहला है आप लोग जंगल में आवाज़ ना करें, दूसरा चलती गाड़ी में खड़े ना हो, कोई भी प्लास्टिक गार्बेज बाहर नहीं डालना है, स्मोकिंग इट इज़ नॉट अलाउड, किसी भी बर्ड या एनिमल को फीड नहीं करना है। कुछ बर्ड्स आते हैं वो क्या भी गंदी हो गई, वो बिस्किट वगैरह खाने की कोशिश के लिए, बट प्लीज़ डोंट फीड देम। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कभी पूछिएगा, मैं वो आपके साथ में, जब भी कोई फोटो लेना हो प्लीज़ चैट टू अस फॉर स्टॉप, विल स्टॉप देयर। ये ब्यूटीफुल बेनियन ट्री, काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है, ब्यूटीफुल। नाउ आगे चलेंगे, लेक के पास भी रोकेंगे, वहाँ क्रोकोडाइल्स भी नज़र आ सकते हैं, तो विल ट्राई आउट देयर। सुबह आज साइटिंग हुआ है जो नंबर 3 पर। पट करके लगेगी सच से। दिख गया क्या शेर? गुज़ेल, गुज़ेल है वहाँ पे सामने, आगे जाके दिखेगा वो मैडम। गुज़ेल इनकी स्किन वाइट होती है ना, गुज़ेल है और उसके साथ चादर ले रहा है। चादर बहुत सारे हैं, दो तीन तीन है, ये तीन तो इधर ही है, एक इधर है, वो पीछे है। नाम नहीं बुलाओ, नाम टॉम लाना है, टकीला वही सामने कर्नल मेजर को बुलाओ। एक से पूछूं ये टाइगर क्या है? इन्हें पता होगा कि अभी सो रहा है। हाँ भाई साहब, ये टाइगर क्या है? अच्छा आगे बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा यार। वो चार सिंह वाले क्या बोल रहे हैं? चार सिंह वाला इसको तो अपने खाने लो। रेंडियर नहीं, रेंडियर के एंटीलोप नॉट गज़ेल। तीस चालीस मीटर की दूरी पर ज़्यादा अच्छे देख नहीं पाते, तो टाइगर के लिए आसान होता है शिकार। एक सामर डियर काफ़ी होता है टाइगर के लिए, एक सप्ताह और दस दिन के लिए। टाइगर को रोज़ शिकार करने की जरूरत नहीं होती, इट डिपेंड ऑन द साइज। अगर सामर को मारा है तो 7 से 10 दिन तक उसको खाना नहीं चाहिए होगा। एक बार मारने के बाद में 2 से 3 दिन में उसको पूरा फ्रेश करता है, फिर अगले 4-5 दिन तक टाइगर आराम करता है या फिर अपना जो टेरेटरी है उसको डिमार्किंग के लिए नहीं करता। डिमार्किंग मतलब ये छोड़ देते हैं। अभी तो घर थोड़ा करेंगे, एक बार मैंने दोनों शुरू हो गए, हम दोनों का क्या हाँ माँ खाएगी मेरे से, अच्छा खाएगा ये, अभी बताती तेरी चौकी उतार के। हाँ भाई साहब ये सेम ही तो है जो इधर हो गए, दो तो चेन लेके आओ पकड़ के ले जाएंगे।
जाने के टाइम उस तरफ से कुत्ते की तरह नहीं आता ना तनु कम वो हो जाएगी वो गंदी वाली चिपड़ 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 तो आपने एक ही बार लगाई होगी ना तीन चार बार लगाई भाई बैठो मन मेरे अनिल का है अनिल का है मी आ रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है बीच में ये बिल्डिंग है इन दिस एरिया देयर आर मेनी दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग दे वर यूज्ड बाय द महाराजा फॉर हंटिंग ये जब नेशनल पार्क बना था उससे फैसिलिटीज है अपने टूरिस्ट को फैसिलिटीज के लिए वहाँ पर लेके जा रहा था उसको वहाँ पर मूव करता हुआ मिला तो जब हम आगे थे वी एंटर अराउंड क्वार्टर टू फोर उसके बाद एक घंटे बाद में वहाँ पर टाइगर मिल रहा उसका मूवमेंट हुआ है उधर सामने लेक के सामने वाला तो आई नो कि ये जो मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ताज़ा आ रहा है ड्यू टू लाइट और अभी बज रहे हैं 9 अभी 9 बज रहे हैं और मैं आ गया था शाम कितने बजे आए थे 6:30 6:30 को आए थे और बहुत थके हुए थे तो थोड़ा सा आराम आराम करके 9 बज गए तो आज के लिए बस इतना ही आपको पता है क्या करना है वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है नए हो करो सब्सक्राइब ताकि आप नहीं मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट और @ उपमन्यु बाव में दो अपने सजेशन कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और कमेंट करो अपने थॉट फिलहाल के लिए बहुत थका हुआ हूँ गुड नाइट शबक है बाय बाय